हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। मैं नीलेश एंड स्वागत है आपका सुपर फास्ट क्लासेज यूट्यूब चैनल में। तो गाइज, इस वीडियो में मैं क्लास 10th वालों का एक काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल आप देख सकते हो, आपकी जो विद्युत धारा है उसी में का मैं न्यूमेरिकल ये लेकर आया हूँ, फिगर वाला। तो गाइज, ये कई साल ये लगातार पूछा है, इसी टाइप का पूछता है हर साल। देखिए, ये 2015, 17 और 18 में इसी टाइप का नहीं, केवल यही पूछ चुका है। ठीक है, ये जो हम लोग का ये न्यूमेरिकल है, यही 15, 17, 18 में पूछ चुका है। तो देखिए, मेरे कहने का मतलब कि देखिए, एक ही टाइप का हर साल न्यूमेरिकल पूछता है, केवल क्या करता है कि ये जैसे चार, यहाँ पे ये 4 ओम का प्रतिरोध, तो यही अंक बदल देता है, नहीं तो ये टाइप यही रहता है। तो आप इस न्यूमेरिकल को अच्छे से समझ लीजिए। अगर अच्छे से समझ लेते हैं तो मान लीजिए ये अंक बदल दे, उससे आपका क्या मतलब, गुणा भाग तो आप कर ही लेंगे। अगर इसको लगाने का तरीका जान जाएंगे तो सो आप आराम से लगा सकते हैं। तो चलिए, इस वीडियो में मैं यही बताने वाला हूँ, इससे आप अच्छे से एकदम देख लीजिए। मैं 100% गारंटी देता हूँ आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए, मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ, लेकिन उससे पहले कहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा ले, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए, देखिए देखिए मैं बताता हूँ। देखिए, इसमें हम लोग का क्वेश्चन क्या है कि निम्न परिपथ में विद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए, यानी इसमें हम लोग का विद्युत धारा का मान ज्ञात करना है। तो देखिए, यहाँ विद्युत धारा का मान ज्ञात करना है और इसमें क्या क्या दिया है, देखिए यहाँ पे लिखा है 10 वोल्ट, यानी 10 वोल्ट हम लोग का विभवान्तर दिया है 10 वोल्ट, और यहाँ एक 2 ओम का प्रतिरोध लगा है, और यहाँ 4-4 ओम के 2 प्रतिरोध लगे हैं, और किस क्रम में लगे हैं तो समांतर क्रम में, आप लोग देख सकते हो। तो हम इसमें क्या करते हैं कि ऐसे न्यूमेरिकल में हम जितने भी समांतर क्रम में प्रतिरोध होते हैं उनको तोड़ कर हम श्रेणी क्रम में करते हैं। ठीक है, तो यहाँ ये दोनों समांतर क्रम में है तो इनको हम एक सीधी लाइन में करेंगे। तो सीधी लाइन में करने के लिए क्या करेंगे कि इन दोनों को हम इंक्लूड करेंगे, दोनों को इंक्लूड करेंगे। तो समांतर क्रम का हम लोगों ने फार्मूला पढ़ाया, चलिए इसको हल कैसे करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर लिख देंगे हल, ठीक है, हल लिख देंगे और यहाँ पर लिखेंगे कि निम्न परिपथ में 4 ओम के 2 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। ठीक है, 4 ओम के कितने 2 प्रतिरोध किस क्रम में, समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो आगे लिखेंगे अतः उनका तुल्य प्रतिरोध। अब देखिए, तुल्य प्रतिरोध कहने का मतलब कि कुल प्रतिरोध, इन दोनों का आप कुल प्रतिरोध यानी दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा। ठीक है, अतः उनका तुल्य प्रतिरोध 1/R = ये हम लोग का समांतर क्रम का फार्मूला होता है। अगर मतलब जो सर्किट है, सर्किट में जो हम लोग क्या है ये जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो उनका फार्मूला होता है अतः उनका तुल्य प्रतिरोध। ठीक है, जो हम लोग के रजिस्टेंस है यानी प्रतिरोध जब समांतर क्रम में जुड़े होते हैं तो उनका यही फार्मूला होता है, तुल्य प्रतिरोध 1/R = 1/R1 + 1/R2 + ……+1/Rn। इसका कहने का मतलब देखिए, ये फार्मूला हम लोग का आता है यानी जितने, जैसे यहाँ मान लीजिए केवल 2 जुड़े हैं, कहीं 3, कहीं 4, कहीं 5 जुड़े होंगे, तो जितना जुड़े होते हैं उतना 1/R1 + 1/R2 लेते हैं। तो यहाँ केवल 2 जुड़े हैं तो केवल 2 लेंगे, 1/R1 + 1/R2। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे, ठीक है, इसको लिख लेंगे कि अतः उनका तुल्य प्रतिरोध 1/R, ये तो फार्मूला हो गया, 1/R1 + 1/R2 + …+1/Rn होगा, या 1/R = 1/R1 + 1/R2, यहाँ केवल 2 लेंगे क्योंकि हम लोग का केवल यहाँ पे 2 है ना, 2 प्रतिरोध जुड़े हुए हैं, या 1/R = अब देखिए R1 की जगह 1 4 ओम का रख देंगे प्रतिरोध और एक यहाँ R2 की जगह पर रख देंगे तो 1/4 + 1/4 हो जाएगा। या इन देखिए, इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो देखिए इनका लॉस हम लोग का 4 हो जाएगा, यानी 4 और ये 1 1 2, यानी 2/4, यानी 1/R = 4, या 4 = क्या हो जाएगा 2R। अब देखिए ऐसा बराबर हो जाता है और भिन्न के रूप में आ जाता है तो इस तरह त्रिय गुणा होता है। तो यहाँ से ये 4 और इधर ये 2R, यानी ये 4 हो गया और ये हम लोग का 2R हो गया। या फिर क्या करेंगे, या कर देंगे और देखिए 2R को इधर लाएंगे तो इधर हमने ला दिया, 4 को उधर ले जाएंगे, कोई चीज़ नहीं बदलेगा, तो 2R इधर आ गया और ये 4 इधर चला गया, कोई चीज़ नहीं बदला। तो देखिए, या फिर उसके बाद अगर R = करें तो ये 2 उधर जाएगा तो अब इधर गुणा है तो उधर भाग हो जाएगा, तो 4/2 = 2, यानी हम लोग का R का मान कितना आ गया 2 ओम। ठीक है, यानी यहाँ हम अगर इन दोनों को इंक्लूड करते हैं, इन दोनों को इंक्लूड कर और इधर इसको इस तरह सीधा कर देते हैं तो कितना प्रतिरोध होता है 2 ओम का प्रतिरोध होता है। तो देखिए अब ये 2 ओम का प्रतिरोध हो गया, इन दोनों को जोड़ दिए तो अब देखिए ये 2 ओम का ये प्रतिरोध और ये दोनों प्रतिरोध किस क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में अब हो गए। मान लीजिए अब इन दोनों को समांतर क्रम में इंक्लूड कर दिए तो ये जो इंक्लूड किया हुआ ये दोनों है तो ये 2 ओम का हो गया और ये 2 ओम का दोनों श्रेणी क्रम में है तो अब हम
श्रेणी क्रम का नीचे फार्मूला लगाएंगे, तो वही नीचे आप देख लीजिए। अब नीचे क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि पुनः परिपथ का तुल्य प्रतिरोध। अब देखिए परिपथ का पूरा तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध इसलिए पूरा निकालेंगे क्योंकि अब तो यार देखिए अब हम लोग का अब तो समांतर क्रम वाला हल हो गया, जैसे ये हम लोग का ये भी श्रेणी क्रम में हो गया और ये भी श्रेणी क्रम में, तो अब दोनों को जोड़ेंगे तो पूरा परिपथ का ना मतलब तुल्य प्रतिरोध होगा, कुल प्रतिरोध होगा क्योंकि अब कहीं प्रतिरोध बच ही नहीं रहे हैं, तो वही अब दोनों को हम जोड़ेंगे, दोनों को इंक्लूड करेंगे, लिखेंगे पुनः परिपथ का तुल्य प्रतिरोध आर इजकल टू क्या हो जाएगा। अब वही हम श्रेणी क्रम का फार्मूला लगाएंगे, आर इजकल टू आर वन प्लस आर टू प्लस डॉट डॉट आर एन, ठीक है, या आर इजकल टू अब दो है तो हम आर वन प्लस आर टू लेंगे और आर वन की जगह वही हम लोग का मान लीजिए अब यहाँ नीचे हम लोग का ये एक दोनों इंक्लूड हुआ, ये दो का ये आर वन हो गया और ये ऊपर वाला आर टू हो गया, ठीक है। तो वही चलिए हम लोग दिखा देते हैं, तो आर वन की जगह हम लोग का क्या हो गया, ये दो एक हो गया और आर टू की जगह ये एक दो हो गया, तो आर इजकल टू क्या हो गया, दो प्लस दो इजकल टू चार ओम, यानी पूरे परिपथ का जो तुल्य प्रतिरोध है वो कितना गया, चार ओम, ठीक है। तो पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध चार ओम है, तो अब यहाँ लिखेंगे चूंकि हमें क्या करना है ज्ञात विद्युत धारा, तो यहाँ फिर लिखेंगे चूंकि ओम के नियम से भीजकल टू आई इंटू आर, ये होता है हम सब लोग जानते हैं कि भीजकल टू आई इंटू आर होता है, या ठीक है भी इजकल टू हम लोग का भी का मान दिया है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 10 वोल्ट दिया है तो भी का मान रख लेंगे हम 10, ठीक है, बराबर आई का आई ही रहने देंगे और आर का हम लोग का पूरा तुल्य प्रतिरोध कितना आया, चार ओम आया, ठीक है, पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध यहाँ रखेंगे चार ओम, ठीक है। तो 10 इजकल टू आई इंटू चार, या फिर आई इंटू चार इधर लाएंगे बराबर के और 10 उधर ले जाएंगे, कोई नहीं चिन्ह बदलेगा, ठीक है, या आई इजकल टू क्या हो जाएगा, ये गुणा है तो इधर आकर भाग हो जाएगा 10 बटा 4 हो जाएगा, या आई इजकल टू क्या हो जाएगा 4 से भाग देंगे 2.5, ठीक है। तो यहाँ मैंने ए लिखा है, ए यानी एम्पियर, क्योंकि आई विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, आप लोग इस तरह हिंदी में भी लिख सकते हो कि एम्पियर उसके आगे, ठीक है, इसके आगे, और यही हम लोग का क्या हुआ फाइनली आंसर हुआ, यानी हम लोग की जो विद्युत धारा है वो आई का मान क्या होगा 2.5 एम्पियर होगा। तो बस यार इस वीडियो में इतना ही, तो फाइनली बताइए ये वीडियो आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए, तो थैंक यू गाइज।